एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है टाइगर अपनी दहाड़ करने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। इन दिनों सलमान खान के फैंस को कुछ न कुछ एक्साइटिंग खबरें मिलती रहती है। जब पिछले दिनों ये खबर आई थी कि सलमान खान राधे के बाद भी एक और फिल्म करने वाले है, जो कभी ईद और कभी दिवाली फिल्म से पहले रिलीज की जाएगी, और इसके बाद आज एक और दमदार न्यूज सामने आई है। और ये न्यूज सुनकर आपकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये न्यूज सलमान खान के सबसे फेवरेट कैरेक्टर टाइगर से जुड़ी हुई है। वैसे तो सलमान खान के हर कैरेक्टर को दर्शक काफी पसंद करते हैं, लेकिन सलमान खान के कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो आइकॉनिक है, और उनका वो कैरेक्टर फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि प्रेम, चुलबुल, पांडे, टाइगर। और ये न्यूज जुड़ी हुई है टाइगर से। इनसाइड सोर्सेज के मुताबिक सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म की शुरुआत हो चुकी है। ये फिल्म की शुरुआत यशराज फिल्म के द्वारा कर दी गई है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म की शूटिंग अगले साल मई से शुरू की जाएगी, और ये फिल्म रिलीज होगी ईद 2022 पर, क्योंकि ईद 2020 पर आएंगी राधे, ईद 2021 पर आएगी कभी ईद कभी दिवाली, और ईद 2022 पर आएंगी टाइगर 3। और यहाँ तक कि टाइगर 3 फिल्म को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर पागल हो रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से सलमान खान को टाइगर के रूप में देखना फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होगा। अगर बात करें सलमान खान के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की, तो वो है टाइगर जिंदा है। और सलमान खान की पहली 150 करोड़ी फिल्म भी एक था टाइगर थी, यानी कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है को दर्शक ने काफी पसंद किया था। तो अगर सलमान खान ईद 2022 पर टाइगर 3 को लेकर आते हैं, तो वो धमाके से कम नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस पर? सलमान खान को टाइगर 3 कब रिलीज करनी चाहिए वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। Bye, bye, bye.